मंडे टेस्ट में आडू जीवितम ने क्रू की उड़ाई धज्जियां, बॉक्स ऑफिस पर चलाया जादू। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। मलयालम फिल्म द गोट लाइफ की कहानी एक ऐसे भारतीय मजदूर की है जो दूसरे देश जाकर मजबूरन गुलाम बन जाता है। फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन ने अहम भूमिका निभाई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड पर फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर आडू जीवितम द गोट लाइफ 2024 की सक्सेसफुल फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई है। फिल्म ने 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक दी और 5 दिन के अंदर शानदार कारोबार कर लिया है। ब्लेसी के निर्देशन में बनी द गोट लाइफ को लेकर रिलीज से पहले ही बच बना हुआ था। फिल्म के आने के बाद क्रिटिक्स और ऑडियंस ने न केवल कहानी को पसंद किया बल्कि पृथ्वीराज की परफॉर्मेंस भी छा गई। वीकेंड तक फिल्म ने अच्छा खासा बिजनेस किया, लेकिन मंडे टेस्ट में फिल्म का क्या हाल हुआ चलिए जानते हैं। मंडे टेस्ट में पास हुई आडू जीवितम, एक भारतीय गुलाम की कहानी दिखाती द गोट लाइफ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 7.6 करोड़ से खाता खोला था। वीकेंड पर भी फिल्म का कारोबार अच्छा रहा, लेकिन मंडे टेस्ट में फिल्म पास हुई या फेल इसका रिजल्ट भी सामने आ गया है। सेक्निल के अर्ली ट्रेड के मुताबिक द गोट लाइफ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन यानी पहले सोमवार को 5.25 करोड़ का कारोबार किया है। वीकडेज में फिल्मों के कारोबार का ग्राफ हमेशा नीचे जाता है, मगर द गोट लाइफ ने अच्छा खासा बिजनेस कर लिया है। पृथ्वीराज की फिल्म से कम कमाई तो क्रू ने की है, जो पिछले 3 दिन से बॉक्स ऑफिस पर जादू चला रही थी। क्रू का सोमवार को कारोबार 4.50 करोड़ रहा। खैर, ये शुरुआती आंकड़े हैं, सही आंकड़े से ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। क्या है द गोट लाइफ की कहानी? तो बता दें, एक भारतीय मजदूर जो काम करने के लिए सऊदी अरब जाता है ताकि वो अपने परिवार को पैसे भेज सके, लेकिन वो खुद को रेगिस्तान के बीच में बकरियां चराते हुए एक गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करता हुआ पाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन नजीब मोहम्मद के किरदार में एकदम उतर जाते हैं। फिल्म की कहानी बेन्यामिन द्वारा लिखित गोट डेज से ली गई है। फिल्म में पृथ्वीराज के अलावा अहम भूमिका में अमाला पॉल, जिमी सीन, अपर्णा और संतोष जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।